आपके हुस्न और रानाई के बायस सारी दुनिया में अपनी मिसाल आप हो। दुनिया का ये खूबसूरत तरीन खत्ता और इसके रहने वाले गुज़श्ता 73 बरस से भारतीय गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इस महकूम कौम की तारीख के अहम तरीन दिनों में से एक 19 जुलाई है। 19 जुलाई 1947 के तारीख साज दिन जम्मू और कश्मीर के आवाम ने अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता करने का फैसला किया था। इस दिन कश्मीरी आवाम की नुमाइंदा जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में रईसुल अहरार चौधरी गुलाम अब्बास की सदारत में मुनक्किद होने वाले तारीखी इजलास में जम्मू और कश्मीर के आवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक रियासत के पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की। 3 जून 1947 के तकसीम हिंद के मंसूबे के तहत मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। तकसीम हिंद के रहनुमा उसूलों के मुताबिक गालिब मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का फितरी हिस्सा बनती थी, लेकिन बाद अज़ां वायसराय हिंद, लॉर्ड माउंटबेटन और हिंदू नेताओं के गठजोड़ से मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत के हवाले करते हुए भारत को रियासत जम्मू और कश्मीर पर फौजकशी के लिए जमीनी रास्ता फराहम कर दिया गया और भारत ने जम्मू और कश्मीर के आवाम की ख्वाहिशात के बरक्स रियासत पर कब्जा कर लिया। 85% मुसलमान की आबादी की 750,000 पाकिस्तान के साथ मिलती है। जितने दरिया यहां से निकलते हैं पाकिस्तान की तरफ उनका रुख है। यहां जब हवाएं चलती हैं वो रावलपिंडी से आती हैं, बारिशें बरसती हैं एक साथ बरसती हैं। चांद का जो मतला है एक साथ मतला है, मतलब ये अलग नहीं है। ये इतने मजबूत रिश्ते जो तारीख की हकीकतें हैं, जिन हकीकतों की बुनियाद पे मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर वाज ए नेचुरल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं कहता हूं, घंटे की चोट कहता हूं, इस बगैर इस खौफ के कहता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का वाहिद हल ये है कि इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हो जाना चाहिए। यही इसका फायदा है। गुज़श्ता 7 दहाइयों से मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर के आवाम भारत के गासिबाना कब्जे का जवां मर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरी आवाम की मंजिल भारत के जबरी कब्जे से निजात और पाकिस्तान से इल्हाक है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हर गली कूचे और चौराहे पर कश्मीरी आवाम पाकिस्तान से अपनी कल्बी मोहब्बत का दीवानावार इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। मकबूजा खित्ते की फिजाएं जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारों से गूंजती हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। 1989 से अब तक तहरीक आजादी के लिए कश्मीरी आवाम 95,000 से ज्यादा जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। हक के खुदरादियत के मुतालबे की पादाश में 1,60,000 से ज़ायद कश्मीरी कैदोबंद की सोगतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तहरीक आजाद के कश्मीर को कुचलने में मुकम्मल नाकामी के बाद शदीद बदहवासी और बौखलाहट के आलम में भारतीय फौजी कश्मीरियों के 1,10,000 से ज़ायद रिहायशी मकानात और दीगर तामीरात को तबाह कर चुके हैं। काबिज भारतीय फौज के मजालिम के बायस 22,000 से ज़ायद खवातीन बेवा हो चुकी हैं, जबकि 1,07,000 से जायद कश्मीरी बच्चे यतीम हो चुके हैं। गुज़श्ता 7 दहाइयों में भारत में बरसरे इक्तदार आने वाली हर हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने के लिए कश्मीरी आवाम पर जुल्म और जबर का सिलसिला जारी रखा। ताहम भारत में नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत हिंदुत्व के एजेंडे को अमली शक्ल देते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इस मंसूबे के तहत 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया।
साथ ही रियासत में इजाफी भारतीय फौजी दस्ते तैनात करके बदतरीन फौजी मुहासरा कर दिया गया ताकि कश्मीरी आवाम की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी दौरान रियासत में डोमिसाइल कानून में तब्दीली करते हुए भारत से हिंदुओं को लाकर मकबूजा रियासत में बसाया जा रहा है। 11 माह से ज्यादा अरसे से जारी बदतरीन लॉकडाउन और भारतीय कदमों के बावजूद मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम इंतहाई सब्र और इस्तकामत से आज भी अपने उसी मौकफ पर चट्टान की तरह डटे हुए हैं जिस पर वो 19 जुलाई 1947 को थे। आज भी उनकी मंजिल इन्हा के पाकिस्तान है और अब ये मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। मेरे